कितनी आंधी चले कि उसका प्रकाश थोड़ा भी कुछ भी होता है जरा भी मणिदीप में, कितनी आंधी चले उसके प्रकाश में थोड़ी भी कोई लहर पैदा होती चलित होता है थोड़ा भी नहीं होता नहीं। तो ऐसा मणिदीप की तरह अत्यंत निश्चल तो अत्यंत शुद्ध समस्त गेयाकारों को गौन करता हुआ, इतनी बढ़िया बात है। एकाकार कहा था ना ज्ञान को, एकाकार एकाकार में सिर्फ ज्ञानाकार समस्त गेयाकारों को गौन करके जो ज्ञान मात्र हुआ और जिसने ज्ञान मात्र चैतन्य का अवलंबन लिया। गेयाकारों को गौन करने पर क्या होता है, एकमात्र ज्ञान ही अनुभव में आता है। ज्ञान अनुभव में आता है अर्थात आत्मा अनुभव में आता है, क्योंकि सिर्फ अकेला ज्ञान अनुभव करने लायक नहीं है। अकेला ज्ञान को अनुभव करे, एक गुण को अनुभव करे तो क्या मिलेगा। इसलिए अनंत गुणात्मक आत्म तत्व, अनंत शक्तिमय आत्म तत्व समस्त ज्ञाकारों को गौण कर देने पर ज्ञायक के रूप में अनुभव में आता है। मैं तो सिर्फ ज्ञान हूँ, तो उसका अगला बोल होता है कि मैं तो सिर्फ ज्ञायक हूँ। ज्ञान हूँ मैंने, ज्ञान किसको कहते हैं, जानने वाला, जानने वाला कौन होता है, आत्मा। मैं तो सिर्फ ज्ञान हूँ अर्थात मैं तो सिर्फ ज्ञायक हूँ, अकेली पर्याय या अकेले गोदा विश्वास मूर्ख करते हैं। सभी को वस्तु चाहिए कि जिसमें ये चीज़ें भरी हैं वो चाहिए। अकेली पर्याय और अकेले गुण की अगर बात करें और द्रव्य का विश्वास न करें तो ये मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि ये तो उसमें रहते हैं। हमको चाहिए, हमको आम का रस तो चाहिए, पर आम नहीं चाहिए रस, तो उस आम के रस में जो स्वाद आता है, स्वाद स्वाद चाहिए, सिर्फ वो स्वाद चाहिए। क्या करना पड़े, आम लाओ तो आम को क्या करें, हम इतने बड़े आम को तो चाहते ही नहीं, हम तो सिर्फ स्वाद चाहते। उस स्वाद के लिए पूरा आम लाना ही पड़ेगा। इस तरह यहाँ जिन गेयाकारों में अज्ञानी व्यस्त रहता है, मस्त रहता है अर्थात आकुलित रहता है, ज्ञान के गेयाकारों की बात है। गेयाकार मैंने ज्ञान में जो गेयाकार बनते हैं, तो अज्ञानी उन गेयाकारों में व्यस्त होता है, उनमें लीन रहता है, इसलिए उसको प्रति समय आकुलता होती है। देखता ना ये आया मेरे ज्ञान में और ये मेरे ज्ञान में से चला गया। इस तरह वह उनको ज्ञान के आकार में जानता हुआ ये का आकार जानता है, इसलिए आकुलता का होना सुनिश्चित है, स्वाभाविक होगी आकुलता। तो केवल ज्ञान का स्वरूप है, ये ध्यान देने की है बात। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से ये बात शुरू होती है, तब ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, और इसी बात को जब आगे ले जाया जाता है तो ज्ञान केवल ज्ञान बनता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में समस्त गेयाकारों को गौण करके एकमात्र ज्ञान का अनुभव अर्थात ज्ञायक का अनुभव किया जाता है। यह जो पहला क्षण है इसका नाम आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन है। सारे गेयाकार गौण हो जाए, समस्त ही गौण हो जाए, मिट जाए ज्ञान मिट जाएगा। क्या है बात, गेयाकार को ज्ञान जब जब किसी पदार्थ को जानेगा तो उसका उस गेय जैसा आकार तो होगा ही होगा,
लेकिन वह आकार व्यस्त होने लायक नहीं दिखे तो भी वह ज्ञान दिखे, उसमें और कुछ न दिखे। कहते हैं और कुछ दिखे तो फिर और कुछ तो ये ही होता है, और दिखेगा क्या उसमें? या तो उसमें ज्ञान दिखे अथवा वह न दिखे तो उसमें फिर ये का दर्शन होगा और तब आकुलता होगी। इसलिए ये आकार होने पर भी ये आकारों को गौण करने की ये कला है आकुलता को समाप्त करने के लिए। कैसे किया जाए? जितने भी ये आकार हैं वे ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उनमें कुछ भी तलाश नहीं किया जा सकता। इस तरह समझ से केवल ज्ञान की बात है। केवल ज्ञान तो बहुत बड़ी हस्ती है। केवल ज्ञान भी क्या करता है? जो काम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान करते हैं वही काम केवल ज्ञान करता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जब सम्यक होते हैं, सम्यक ज्ञान बनते हैं आत्मानुभव में, उस समय समस्त ही ज्ञेयाकार गौण होते हैं सारे। और फिर मुख्य कब हो जाते हैं? ये ज्ञेयाकार पहले क्षण में गौण होने के बाद मुख्य कब होते हैं? मुख्य कब होते हैं? कब होते हैं? दर्शन में ज्ञाकार गुण होते हैं। मुख्य कब होते हैं? कृष्ण ज्ञानी को तो फिर कभी नहीं होते। हाँ, ज्ञानी को तो कभी नहीं होते, फिर उनकी मुख्यता का प्रश्न ही नहीं। उनकी मुख्यता का मतलब तो यह है कि उनसे कुछ मतलब है तब उनको मुख्यता दे। जब उनसे जानने के अतिरिक्त कोई मतलब ही नहीं है तो उनको मुख्यता क्या दे? जो उनको जान रहा है वो मुख्य है सच में। इसलिए वे एक बार गौण होने पर फिर जीवन में कभी मुख्य नहीं होते। वो ज्ञान में जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं की बात है ना, वो अलग बात, अर्पित और अनिर्पित की। कभी ज्ञान गुण पर कोई विचार कर रहा हो, कभी ज्ञान की पर्याय पर उसके ज्ञाकारों पर कोई विचार कर रहा हो, तो वो तो ज्ञान की जानने रूपी दशा हुई। पर जिस समय वो ज्ञान के उन ज्ञाकारों पर पर्यायों पर विचार करता हो तब भी उसको वो ज्ञाकार गौण है, मुख्य नहीं है, है ना? समझते ही विचार तो वस्तु स्वभाव का करता है। देखो ज्ञान में, ज्ञान ये कैसा नट है, कैसा नट है ये ज्ञान? ये जिस किसी ज्ञेय को जानता है तुरंत उसके आकार, कितना लचीला है, इलास्टिसिटी कितनी है ज्ञान में, लचीला कितना है ज्ञान। जिस ज्ञेय को जानता है उसी के आकार हो जाता है। ऐसा होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल रहता है। उसमें ज्ञेय का थोड़ा भी प्रभाव और असर नहीं होता। इस तरह ज्ञानी है वो तो सदा ही उन ज्ञाकारों को गौण रखकर एकमात्र ज्ञान अर्थात ज्ञायक पर ही दृष्टि रखता है, नहीं तो मातु, क्योंकि एक गुण से भी मतलब नहीं, ज्ञान से अकेले ज्ञान से मतलब नहीं है कुछ। अकेले ज्ञान को क्या करे? अकेले ज्ञान में संतोष क्या हो? केवल एक चीज में संतोष क्या हो? हमको कहा जाए चलो आम में तुम क्या चाहते हो, उसमें चार पांच बातें होती हैं, तो उसमें से तुम कौन सी चीज चाहते हो?
हम तो सारी चाहते सब कुछ चाहते हैं, ये केवल पीलापन ही चाहते हैं, मीठापन ही चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। मीठापन चाहे, गंध नहीं चाहे, तो जो अनुभव होता है तो वो सब मिलकर होता है, नहीं सारा ही आम का जो स्वाद कहलाता है तो स्वाद क्या केवल मीठा है सचमुच, या उसके जितने गुण हैं उन सबको मिलकर जो बना है उसका नाम स्वाद है। अन्यथा अगर अकेले धर्म का अनुभव हो तो बेस्वाद कहलाता है, मीठा मीठा सा है, फीका फीका स्वाद बनता है। इस तरह अकेली पर्याय और गुण ये उपलब्ध भी नहीं होते तो कोई भी समझदार उनको चाहता भी नहीं है, वो तो दह को चाहता है कि जहाँ इनका कोष पड़ा है और जहाँ से ये पूरे के पूरे एक ही बार में प्राप्त किए जा सकते हैं वहाँ उसकी दृष्टि रहती है। इस तरह केवल ज्ञान भी, यहाँ तो बात गंभीर रहना पड़ी, केवल ज्ञान भी उन गेयाकारों का आविर्भाव नहीं रखता, उन गेयाकारों को मुख्य नहीं करता। गेयाकारों को मुख्य करे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ में पड़ जाए केवल ज्ञान, कितना कितना सारा नरक दिखता है, निर्बोध दिखता है, सब दिखते हैं, दिखते हैं कैसे दिखते हैं ना, कुछ नहीं दिखता, मेरा ज्ञान दिखता है और कुछ नहीं दिखता। और अत्यंत गंभीर जिसका पार नहीं है ऐसा, अत्यंत गंभीर लोक में चाहे कैसे ही उपद्रव कैसी ही विपत्तियां हों लेकिन केवल ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। केवल ज्ञान किसी आंधी से विचलित नहीं होता है, हिलता नहीं है, तो केवल ज्ञान में वो आंधी भी प्रतिबिंबित हो जाती है। इतना गंभीर है, गंभीर नहीं होता तो छिछला होता, छिछला कम गहरा, कम गहरा होता है तो वो बरसाती नदी की तरह तुरंत बाढ़ आ जाएगी, इसके बाद गर्मी में एक कम गहरों की बातें हैं। और जो गंभीर है वो हिलता नहीं, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, इसलिए केवल ज्ञान में कभी विक्रिया नहीं होती। ऐसा गंभीर और धीर यानी किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला, क्यों नहीं घबराता है केवल ज्ञान, क्यों नहीं घबराता है केवल ज्ञान में घबराहट क्यों नहीं होती है? कुछ होता ही नहीं, ज्ञान में नहीं होता तो आत्मा में होता होगा, तो ये एक मंत्र है वास्तव में। आरंभ से लेकर समीवन दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक तो एक मंत्र है। क्या हुआ, ये कुछ हुआ ही नहीं है, और कुछ होता है कि इतना होता है तो इतना होता है तो वो जहाँ दिखाई देता है वही होता है, अपने में तो कुछ होता नहीं। इतना विश्वास हो तो फिर धैर्य दिखता नहीं, क्यों उस धैर्य का जो अवलंबन है वो धीर तत्व होता है, आत्मा महाधीर है, इसलिए उसका अवलंबन जिसको हो गया वो भी धीर और गंभीर हो जाता है। ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट दैवीप्यमान होता हुआ अपनी महिमा में लीन हो गया। स्थान स्थान पर कितनी अच्छी बातें हैं, केवल ज्ञान क्या करता है,
कि जो लोग दुनिया को देखना तमाशा देखना पसंद करते हैं उनका तो उत्तर आता है वो लोका लोग को देखता है ना। ये क्या लिखा है ये आचार्य ने नहीं लिखा कि वो रगत ज्वाजल्यमान होकर लोका लोग को देखने लगा ऐसा नहीं लिखा नहीं। लोका लोग को देखना उसका काम ही नहीं था और लोका लोग को देखने से कुछ मिलना ही नहीं था क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर ये चला था आज इसका उद्देश्य पूरा हो गया। शुद्धात्मा अर्थात संपूर्ण सुख को उपलब्ध करना ये आत्मा का काम था। काम के रूप में भी कहा जाए ये काम था आत्मा का। इस कार्य का प्रारंभ इस उद्देश्य का प्रारंभ सम्यक दर्शन से हुआ और जब उसकी पूर्णता हुई पूर्णाहुति हुई तो वो ज्ञान वो श्रद्धा और वो चारित्र्य अपने स्वरूप में बिल्कुल स्वरूप में समाए लोकालोक की तरह नहीं झांकने लगे। कहाँ झांकता है केवल ज्ञान? केवल ज्ञान कहाँ झांकता है? केवल ज्ञान स्वसत्ता के साथ ही जुड़ा हुआ है और स्वसत्ता को ही निरंतर देखता है। केवल ज्ञान की दिशा स्वसत्ता की ओर ही होती है और बाकी तो उसका स्वभाव ऐसा है कि दिख जाते हैं। ये ज्ञान का स्वभाव है दिख जाते हैं। जो दर्पण है तो वो अपनी मुद्रा को दिखाता है ना। दर्पण में अपनी मुद्रा दिखाई देती है नहीं है? उस समय दर्पण में क्या होता है उसमें दर्पण रहता है नहीं? दर्पण ही रहता। हमारी मुद्रा दिखाई देने से क्या हुआ उसने ये तो बताओ। हमारी मुद्रा का दिखाई देना वो दर्पण का स्वभाव है या वो जो दिखाई दिया है वो कुछ अतिरिक्त बात है विशेष बात स्वभाव नहीं है? अच्छा वो जो दिखाई दिया तो उसमें दर्पण अपने स्वरूप में पूरा है या नहीं? प्रतिबिंब नाम का जो उसका गुण है स्वभाव है उसमें वो पूरा है नहीं? पूरा दल लेकर अपना पड़ा है ना दल ये कुछ फर्क पड़ा है उसमें तो हमारी मुद्रा उसमें दिख गई तो भी वो दर्पण अंतर्मुख है अंतर्मुख अपने स्वभाव में। अगर वो हमको देखने लगे तो क्या होगा? टूट जाएगा फिर रहेगा नहीं वो अगर हमको देखने लगे। इसलिए वह तो अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है और तब उसमें इस तरह के चित्र विचित्र परिणाम अपने आप बन जाते हैं लेकिन इन परिणामों से उसकी स्वरूप स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसमें जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उस समय जो जल है वो जल में जल जल के स्वरूप में लीन है कि नहीं? जल का जो स्वरूप है क्या उससे थोड़ा ही विचलित हुआ? हुआ क्या विचलित? कभी ऐसा नहीं होता जल को जिसे अपन खड़े हों तो वो अपने तक आए उछल कर उस जल। ऐसा जल में होता है कभी? किंतु उसका स्वरूप ही ऐसा है कि जल अपने स्वभाव में ही सदा रहता और उस स्वभाव में रहकर उस स्वभाव का चुम्बन करते हुए उसमें ये अन्य अन्य सारी क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। उस समय भी उसके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं पड़ा पर उसमें शर्त यह है कि जल को अंतर्मुख रहना चाहिए
जल अगर बहिर्मुख हो जाए, मैंने हमारी तरफ उछाला मारने लगे तो उसमें प्रतिबिंब होगा, इसलिए उसका अपने स्वरूप में अवस्थित होना बहुत अनिवार्य है। इस तरह ज्ञान वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अपनी महिमा में लीन होकर आनंद का वैसा स्वादन करने लगता है, और तब ऐसी अवस्था में भी उसमें सारा लोकालोक प्रतिबिंबित हो जाता है। लेकिन उस अवस्था में ज्ञान केवल अपने स्वरूप में ही लीन है, ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं छोड़कर ये सारा का सारा काम करता हुआ देखा जाता है, उससे उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ तो खास बात क्या है ध्यान देने की, अपनी महिमा में लीन हो गया, ऊपर कलश में भी था, अपनी अचल महिमा में लीन हुआ है, तमाशा नहीं देखने लगा, सिनेमा नहीं देखता तीन लोग का, लेकिन अपनी अचल में, क्योंकि उद्देश्य यह था मुझे मेरी आत्मा की संपूर्ण निधियां सारा कोष मिलना चाहिए, सदा के लिए मैं उसका पूरा भोग करूं, ऐसी अवस्था ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए। यहाँ से भी शुरू किया था इस बात से, तो तब क्या हुआ कि जब पूर्णता हुई तो ये केवल ज्ञान बाहर झांकने लगता या उस कोष को देखने लगेगा, इसलिए वह अपने कोष को पहले तो परोक्ष थी सारी बात और अब बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, सारा का सारा प्रत्यक्ष हुआ। इस प्रकार मोक्ष रंग भूमि से बाहर निकल गए। वहाँ रहना सिर्फ एक जीव को है, बाकी सबको निकलना क्या स्वान करने वाले हैं, तो स्वान करने वाले रह जाएंगे वहाँ, वहाँ रहेंगे क्या? रंग भूमि में मोक्ष तत्व का स्वांग आया था, जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ वहाँ उस मोक्ष का स्वांग रंग भूमि से बाहर निकल गया। तो नई प्रकट हुई नहीं है, इससे इसकी क्षणभंगुरता तो साफ है, बिल्कुल एकदम किसी क्षण में मोक्ष की पर्याय बिल्कुल नई प्रकट हुई, अर्थात पहले नहीं थी, पहले नहीं थी गाय तो क्या हुआ, तो वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, क्योंकि यदि यह नई प्रकट नहीं होती तो सदा से होती तो फिर वो जीव ही होती, मोक्ष जीव ही होता, तो वो मोक्ष नहीं होता। इसलिए जीव की ओर से देखें कि जो मोक्ष है वो भी एक वेश है एक प्रकार का, और वह उसको अलग करके जीव को देखा जाए तो जीव का वास्तविक स्वरूप नजर आता है। जीव और जीव का स्वरूप एक वर्तमान में विद्यमान है इस समय, और है तो वो देखा जा सकता है, ज्ञान से जाना जा सकता है, मोक्ष तो वर्तमान में नहीं है। इसलिए आत्मा को वर्तमान में मोक्ष मैं नहीं देखा जा सकता, जीव को वर्तमान में जीव के स्वरूप से देखा जा सकता है, लेकिन जीव को वर्तमान में मोक्ष से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मोक्ष तो है ही नहीं वर्तमान में और जीव है बराबर। इसलिए जीव का जो नित्य त्रैकालिक पवित्र ध्रुव शाश्वत एक रूप रहने वाला स्वभाव है, उसकी ओर से अगर अपन देखें तो मोक्ष वो आने जाने वाली दशा है, जीव आने जाने वाला नहीं है, जीव तो नित्य स्थाई है और ये आने जाने वाला है। तो उसकी ओर से देखें कि स्वांग रात नहीं रहा, जीव के स्वभाव के स्वरूप की ओर से देखें
तो मूक एक स्वांग मात्र है और स्वांग क्षणिक ही होता है, स्वांग शाश्वत नहीं होता। शाश्वत वो जो स्वांग नहीं है, नहीं। जैसे ये रोज अपन कपड़े पहनते हैं, ये स्वांग है, स्थाई कौन है? इसके भीतर रहने वाला जो शरीर है वो स्थाई है, स्थाई है इसकी अपेक्षा, वो भी अस्थाई है। लेकिन इसकी ओर से देखें तो ये तो बदलता है, वो बदलता है, नहीं बदलता है। लेकिन इतना अवश्य है कि जहाँ शरीर है तो वहाँ स्वांग कोई कोई जरूर रहता है। इसी तरह आत्मा जहाँ है तो वहाँ स्वांग कोई कोई, चाहे वो आस्त्र और बंध के रूप में हो, संवर और निर्जरा के रूप में हो, अथवा मोक्ष के रूप में हो, वो किसी न किसी रूप में रहता अवश्य है, क्योंकि उस स्वांग से ही आत्मा जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसलिए ये स्वांग मोक्ष तत्व का आया था। हुआ तो यह है मोक्ष तत्व में तो ज्ञान वो अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो गया, मोक्ष का अनुभव करता हुआ ज्ञान, ऐसा शब्द है ना, मोक्ष का अनुभव करता हुआ, मैंने अपने आप को मुक्त अनुभव करता हुआ। मोक्ष की जो स्वाभाविक दशा है वह दशा स्वयं अपना अनुभव न करके शुद्धात्मा का, शुद्ध चैतन्य का अनुभव करती है। तो मोक्ष का प्रारंभ जिस प्रकार से हुआ, तो मोक्ष की पूर्णाहुति और मोक्ष की अनंतता वो केवल उसी विधि विधान से होगी। उसमें थोड़ा भी अंतर कर दिया जाए तो वक्त पतन हो जाए। तो मोक्ष का अर्थात मोक्ष मार्ग ये कहाँ से शुरू हुआ, ये आत्मा को सर्व कर्मों से मुक्त समझने पर, जब एक बार उसका सर्व कर्म से विमुक्त स्वभाव अनुभव में आया, तो यहाँ से मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का, या मोक्ष का प्रारंभ कहें, मोक्ष मार्ग, मोक्ष का प्रारंभ मैंने मोक्ष मार्ग, उसका प्रारंभ हुआ और इसी विधि से मोक्ष होता था। और फिर वह विधि वहाँ भी नहीं बदलती, मुक्त दशा में भी वो विधि नहीं बदलती, बल्कि वहाँ भी आत्मा की जितनी भी स्वाभाविक दशाएं हैं, जिन स्वाभाविक दशाओं को मोक्ष कहते हैं, वह मोक्ष मुक्त स्वभाव में लीन होता है। मोक्ष खुद अपने में लीन नहीं होता, किस में लीन होता है? मोक्ष स्वयं मुक्त नहीं है, तो कौन है मुक्त? मुक्त तो जीव है।